किसी भी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। चाहे तुम्हारे घर में विराजमान एक छोटा सा कंकर का भी शिवलिंग है, चाहे पारद का हो, पीतल का हो, स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, किसी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। किसी शिवलिंग, किसी मंदिर में जा रहे हो शंकर के शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना कि ये प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है या प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर की तो अभी हुई है, ये नया मंदिर है या पुराना मंदिर है। नहीं नहीं नहीं, शंकर शंकर है, शिव शिव है। मंदिर भले नया हो पर देवाधिदेव महादेव तो पुराना ही है, वो कहां से नया हो गया, वो तो पुराना है। भारत की भूमि पर हम पहले भी कहे हैं, पूरी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खुदाई कर देख लो, कोई मूर्ति मिले ना मिले पर शंकर का शिवलिंग तो निकलेगा ही सरी, क्योंकि इस भूमि की धरा पर शिव तत्व है, था और रहेगा। वो तो इस शिव महापुराण की कथा को लोगों ने छुपा दिया था, दबा दिया था, इसको लोग बाँचते नहीं थे, इसको लोग सामने लाते नहीं थे। हाँ रामायण भागवत सब होती थी, गीता आदि सब हुई, पर शिव पुराण को दबा दिया।